महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर भाजपा द्वारा निकाले जा रही संकल्प पदयात्रा के चलते चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा का शुभारंभ हो गया। 3 दिवसीय पदयात्रा के पहले दिन भाजपाइयों ने गांव-गांव घूमकर पदयात्रा की। इस मौके पर क्षेत्र विधायक कमलेश सैनी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव सिसोदिया, जिला उपाध्यक्ष विवेक कंडवाल सहित भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता गढ़ नगर के अम्बेडकर चौक पहुँचे और बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पदयात्रा का शुभारंभ किया। पदयात्रा के दौरान भाजपाइयों ने गांव-गांव जाकर लोगों को स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक किया। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। पदयात्रा का उद्देश्य है, हम गांधी जी के जो विचार थे उनको हम जन जागरण कर रहे हैं। हमारी जन जागरण संकल्प यात्रा है 150वीं जयंती पर गांधी जी की, और स्वच्छता के लिए हम गांव-गांव जाकर के विचार गोष्ठियां कर रहे हैं। जल संचय का हम आह्वान कर रहे हैं और पर्यावरण माने वृक्ष लगाने की हम अपील कर रहे हैं। न केवल वृक्ष लगाएं बल्कि उनका पालन पोषण भी करें। 100 दिन का केंद्र की सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है 370/35A के विषय में हम लोगों को अवगत करा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार का 2.5 साल जो उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ रही हैं, चाहे वो गन्ना किसान से संबंधित है, व्यापारी से संबंधित है, नौजवानों को रोजगार देने से संबंधित है, सड़कों का संबंधित है, बिजली पर हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम करा है, ये सब विषय जनता के बीच में रखा है। क्या दिवसीय है, क्या दिवसीय है पदयात्रा? 3 दिवसीय, हर विधानसभा में 3-3 दिन की यात्रा है। 4 विधानसभा में पूर्ण हो गई है। आज नूरपुर और ये चांदपुर की आज हो गई है।